नजर में नजर से मेरे बाबा साईं मेरे बाबा नजर में नजर से मुलाकात करी नजर ने नजर से मुलाकात कर ली साईं रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जिन लोगों ने बाबा से नजर से बात की है, जो नजरों से नजर मिला के बाबा से अरदास लगा रहे हैं अदब के साथ इज्जत के साथ हाथों पर करेंगे, क्योंकि मेरी नजरों में वही बसता है, मेरी नजरों में साईं बसता है, अश्क बहते हैं, शिरडी का सीधा रास्ता है। बोल साईंनाथ महाराज की, तेरा नाम तेरा नाम, अरे तेरा नाम तेरा नाम, जो साईं हो मेरे बाबा।
बाबा के दरबार में जितने भी सेवादार हैं साईं के, साईं डिवोटी, साईं परिवार, हर आदमी बाबा के दरबार में अपनी अरदास लेके जाता है और सब लोग बाबा से मन्नत मांगते हैं। कोई दौलत मांगता है, कोई शौहरत मांगता है, कोई कारोबार में तरक्की मांगता है, कोई बच्चा मांगता है, कोई घर की खुशी मांगता है, कोई सुकून मांगता है। लेकिन बाबा की दीवानी ने दुनिया से अलग चीज मांगी। उसने बाबा से मन्नत मांगी कि बाबा मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है, लेकिन 20 साल तक मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। कितने साल तक? जब उसकी उम्र थी 20 साल, उसने मन्नत मांगी तो उसकी उम्र थी 20 साल। जब वो शिरडी पहुंची तो उसकी उम्र हो गई 40 साल। कितने साल? उसने कहा मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। उसने अपने बाल इतने लंबे किए कि उसके बाल एड़ी से भी नीचे। कहां से? एड़ी से भी। उसकी मन्नत क्या थी? क्या बात, मन्नत देखिए उसकी। उसकी मन्नत ये थी कि बाबा जब मेरे बाल बढ़ जाएंगे तो मैं अपने बाल खोल के तेरी द्वार का माई, तेरी चावड़ी, तेरी समाधि मंदिर के बाहर बैठ के अपने बालों से झाड़ू लगाऊंगी। ये मेरी मन्नत थी। आए आए आए, क्या मन्नत है। और क्या कहती है? तेरा नाम लेते झाड़ू दे रही है मारो। जिसने सिर्फ साईं कहा, जिसने साईं को महसूस किया, उसको ही मिलता साईं आराम है। कहती है वो बाबा की दीवानी, अपने बालों बना झाड़ू अजमेर रहे, सुबह अजमेर रहे, शिरडी में हम शाम करे।
चाहिए, क्योंकि जो संग चलता है उसी की गत अच्छी होती है। तो बताइए कौन कौन संग चलना चाहता है बाबा की अपनी गत अच्छी करना चाहते हैं, दोनों हाथों बताने के साथ। अजी तेरा नाम तेरा बोलो 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 कुछ देर तो विश्राम करे बाबा और कुछ